मॉनसून बारिशों का धुआंधार स्पेल, शहर के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। माल रोड, जेल रोड, लक्ष्मी चौक, कोटलकपर टाउनशिप में जल थलेक हो गया। गुलशन इरावी, समनाबाद, इकबाल टाउन में भी बादल जमकर बरसे। गड़ी चाहू, केनाल रोड, डेविस रोड, गार्डन टाउन, जौहर टाउन भी गए। महकमा मौसमियात की लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। बारिश के बाद शहर के नशीबी इलाके जेरिया, बादामी बाग, सरिया मार्केट और पुल के नीचे 3 फीट पानी जमा। आमिर टाउन, हरबंसपुरा से ताहाल पानी की निकासी ना हो सकी। तहाय पिंड से मुत्सिल रेलवे रोड भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। गजुमत्ता था कहना सर्विस रोड और मुल्हिका इलाकों में बारिश का पानी जमा। मोटरसाइकिल, कार सवार समेत पैदल चलने वाले राहगीरों को मुश्किल का सामना। बादामी बाग, अलीपुरा में बारिश के बाद गलियां कीचड़ से भर गई। मंकी पॉक्स के खतरात बढ़ गए। लाहौर में जनरल अस्पताल मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए मुख्तस। पंजाब भर में 6 टीचिंग अस्पतालों में करंटीना वार्ड्स कायम होंगे। एयरपोर्ट पर आने वाले मुश्तबा मरीज जनरल अस्पताल शिफ्ट होंगे। मंकी पॉक्स की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वर्किंग ग्रुप का इजलास। डीन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोफेसर जिल्फशां ताहिर ने ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं, लाहौर में मंकी पॉक्स का एक भी केस नहीं। शहर के 13 टीचिंग अस्पतालों के 527 एयर कंडीशन गैर फाल। जिना 177 सर्विसेज अस्पताल के 82 एयर कंडीशन काम नहीं कर रहे। म्यू 73, गंगाराम 56, लेडी वेलिंगटन अस्पताल के 34 एसी बंद। चिल्ड्रन 27, जनरल अस्पताल के भी 16 एसी नहीं चल रहे। लेडी एचएसएन अस्पताल के 12, पीआईसी के 11 एसी बंद। डेंटल अस्पताल के 16, सैद मिठा अस्पताल के 14 एसी खराब। मरीजों और तिब्बी अमले को परेशानी का सामना। टीफा का 13 अहम शाहराओं पर रोड सेफ्टी इंतजाम यकीनी बनाने का मंसूबा। 23 करोड़ से शाहराओं को आइडियल बनाने का टास्क मिल गया। टीफा कैटाइंस, लेन मार्किंग, सिग्नल्स और क्रैप स्टोन्स को 100% यकीनी बनाएगा। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, अली जेब रोड, नूरजहां रोड, जेल रोड और दीगर शामिल। कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलेंगी। अद्वियात के लिए 466 मिलियन जारी। महकमा खजाना ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की सिफारिश पर फंड्स जारी किए। मोहसन नकवी के निगरान दौर के मंसूबे हुकूमत को भाग गए। लाहौर समेत सूबे में 39 स्मार्ट थाने रवां साल मुकम्मल होंगे। खजाने को 5.5 अरब का फायदा होगा। लाहौर में 3 दफातर सेंटर ऑफ पब्लिक सेफ्टी, सेंटर ऑफ पब्लिक एक्सेस मुकम्मल होंगे। रवां माली साल में 160 प्रोजेक्ट्स की तकमील की जाएगी। हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स के खरीदो फरोख्त को डिजिटलाइज करने का फैसला। सीईओस लीगल हाउसिंग सोसाइटीज या नुमाइंदे को सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात मिलेंगे। पहले मरहले में शहर की 12 हाउसिंग सोसाइटीज की डिजिटलाइजेशन होगी। पंजाब काबीना की स्टैंडिंग कमेटी कानून साजी ने मंजूरी दे दी। जुबानी कारकर्दगी अब नहीं चलेगी। हर चालान, ट्रांजैक्शन और कागजात जब्ती ऑनलाइन करना पड़ेगी। लाहौर समेत पंजाब भर में ANPR सिस्टम का आगाज। महकमा एक्साइज का नाकों पर चेकिंग का सिस्टम डिजिटल कर दिया गया। चालान, ऑनलाइन अदायगी, कागजात जब्ती मौके पर सिस्टम में अपलोड होगी। डेप्यूटी कमिश्नर को 7 रोज तक दफा 144 लगाने का इख्तियार होगा। 1 माह तक सूबे में पाबंदी का इख्तियार होम सेक्रेटरी को होगा। 1 माह से ज्यादा दफा 144 लगाने का इख्तियार काबीना के पास रहेगा। काबीना ने तरीकाकार की मंजूरी दे दी। महकमा कानून ने बिल सूबाई असेंबली को भेज दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली। पंजाब के 68% हाई स्कूल्स में हेड्स की आसामियां खाली। ग्रेड 17 की 2792 सीटों पर तैनातियां नहीं की गई। 3 साल से प्रमोशन ही नहीं की गई। सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की पोस्ट 35 वर्ष से अपग्रेड नहीं की गई। गवर्नर पंजाब को वाइस चांसलर की शिकायत क्योंकि लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी ने 8 शोबों के हेड से वजाहत तलब कर ली। डॉक्टर मोहम्मद अफसर, डॉक्टर आर फाताही, डॉक्टर सुमेरा सज्जाद और डॉक्टर जहरा क्यानी को नोटिस। डॉक्टर बुशरा, डॉक्टर फरजाना राशि, डॉक्टर अरिफ अड्डा, डॉक्टर महवेश इक्तदार से 3 दिन में जवाब तलब।
एलपीजी माफिया की ब्लैक मार्केटिंग का धंधा तेज। एलपीजी 237 रुपए सरकारी कीमत पर कहीं दस्तयाब नहीं। एलपीजी 270 रुपए किलो तक फरोख्त। प्लांट्स पर एलपीजी की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाएं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन ओग्रा के नाम खत। महकमा बल्दियात के 13 अफसरान की ग्रेड 17 में तरक्की। 13 प्रोजेक्ट असिस्टेंट को असिस्टेंट डायरेक्टर्स के लिए तरक्की दी गई। अख्तर जावेद, नदीम, नजीर अहमद, नईम अहमद, मकबूल मोहम्मद, रफी, सदाकत अली, जमीर हुसैन शामिल। नोटिफिकेशन जारी। एमडी वासा ने सलमान निसार को एक्सएन ऑपरेशंस शालीमार टाउन तैनात कर दिया। आईजी पंजाब ने 33 डीएसपीज के तकरीर तबादले कर दिए। जफर खुर्शीद डीएसपी सिक्योरिटी डिवीजन मॉडल टाउन तैनात। शकील अहमद खोकर डॉल्फिन स्क्वाड इकबाल टाउन। रजा राउफ डीएसपी इन्वेस्टिगेशन शादबाग मुकर्रर। मोहम्मद एहसान अशरफ डीएसपी ऑपरेशन शादबाग। वकारुल हसन सिविल लाइन्स मियाँ जियारत अली डीएसपी लीगल ऑपरेशन 3 लाहौर तैनात। इमरान महमूद खान, कामरान जफर, आबिद रशीद को भी नई जिम्मेदारियां तफवीज। मेंटल अस्पताल का गार्ड करंट लगने से जाँ बहक। लवाहिकीन का सर्विसेज अस्पताल इमरजेंसी के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। 6 माह से तनख्वाह न मिलने के खिलाफ अस्पताल अमला भी सराप एहतजाज। बोले एमएस मेंटल अस्पताल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। सिक्योरिटी इंचार्ज डॉक्टर अतीक ने धमकियां दी। इंटरनेट सर्विसेज में खलल के खिलाफ समाअत का फैसला जारी। विफाकी हुकूमत, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पीटीए से जवाब तलब। आइंदा समाअत पर तमाम फ्रीक्वेंट के एक एक नुमाइंदा को पेश होने की हदायत। मजीद समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। इलेक्शन एक्ट में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी फैसला। इलेक्शन तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट में जिले अल्तवा केसेस की दस्तावेजात पेश करने का हुक्म। जस्टिस शकील अहमद ने फैसला जारी किया। मजीद समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुबैना बदउनवानियों का रेफरेंस। साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान और दिगर का रेफरेंस बंद करने पर समाअत। बताया जाए कि इस बुनियाद पर नैब रेफरेंस वापस लेना चाहता है। एहतसाब अदालत ने 20 अगस्त को रिपोर्ट तलब कर ली। ड्रामा निगार खलीलुरहमान कमर हनी ट्रैप और अगवा केस। मुलजिमा आमना अरूज के 9 शरीक मुलजिमान का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमान के वकला की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज इरफान हैदर ने समाअत की। कौमी हीरो अरशद नदीम के एजाज में गवर्नर हाउस में तकरीब। अरशद नदीम का रेड कारपेट इस्तकबाल। घोड़ों का रक्स। गवर्नर पंजाब ने अरशद नदीम को इनामात से नवाजा। सिंध हुकूमत की जानिब से कोच को 50 लाख का चेक और अरशद नदीम की वालिदा को कार का तोहफा दिया गया। कौमी हीरो को 2 प्लॉट भी तोहफे में दिए गए। हमाद अजहर का इस्तीफा मुस्तरद। पीटीआई पंजाब के कायम मुकाम सदर बरकरार। दूसरी जानिब मियां असलम इकबाल ग्रुप पंजाब की सदारत लेने के लिए मुतहरिक। लॉबिंग शुरू कर दी। उधर अवैस यूनस को तहरीक इंसाफ लाहौर का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। गवर्नर पंजाब की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने सदर काफिली की खैरियत दरियाफ्त की। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन, सूबाई वजीर चौधरी शाफे भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब। कैथेड्रल ऑफ द रिजर्वेक्शन दी मॉल लाहौर ने अहतमाम किया। बशीप ऑफ लाहौर नदीम कारमान, बशीप अलेक्जेंडर, जान मलिक समेत दीगर की तकरीब में शिरकत। अपनी सवारी लड़कियों की खुद मुख्तारी। पंजाब हुकूमत का नारा। ई बाइक स्कीम में तुलबा के लिए मजीद आसानियां पैदा की जा रही हैं। बाइक्स का इजाफी खर्चा पंजाब हुकूमत अदा करेगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर शाफे हुसैन से चीनी ग्रुप के वफद की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत। एडीएम के सीईओ यासर हमदानी की इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने का कारखाना लगाने में इजहार दिलचस्पी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग के लिए 3000 स्टेशन भी कायम किए जाएंगे।
के कौंसलर जनरल से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ फवाद हाशिम की मुलाकात, माहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। जाऊ शेरी ने कहा, पाकिस्तान और चीन लाजवाब दोस्ती के रिश्ते में जुड़े हैं। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल, जल्द इफ्तिताह होगा। हवावे कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT की तरबियत देगी। वजीर तालीम की पढ़ो और जगमगाओ के स्लोगन से बैक टू स्कूल मुहिम चलाने की हदायत। वजीर तालीम की ज़ेरे सदारत बैक टू स्कूल मुहिम का जायजा इजलास। कहा, छुट्टियों के बाद बच्चों का ड्रॉप आउट रेशो हर मुमकिन हद तक जीरो किया जाए। सूबाई वजीर बिलाल यासिन का दाता हजवेरी के मजार का दौरा। अतराफ और मजार में सफाई और सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजाम का जायजा लिया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने कहा, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के लिए खसूसी मॉनिटरिंग की जाएगी। सानिहा जड़ावाला के हवाले से खसूसी तकरीब। सूबाई वजीर अकलियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की शिरकत। कहा, इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत अमली इकदाम कर रही है। तारीख में पहली मरतबा मिनोरिटीज डे को पंजाब असेंबली में मनाया गया। MPM या मरगूब अहमद के शहरियों से मुलाकात। दफ्तर PP 173 अनारकली में मसाइल सुने। MPM मलिक रियाज की PP 147 में खुले कचहरी का इनेकाद किया गया। बिजली गैस और सीवरेज से मुतालिक मसाइल की सुनवाई हुई। DG LDA का ठोकर न्याज बेग एंट्री प्वाइंट का दौरा। ताहिर फारूक ने ठोकर न्याज बेग एंट्री प्वाइंट मुल्तान रोड के कामों का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर LDA और नेस्पा अफसरान ने ब्रीफिंग दी। शहर के मरकजी दाखिल और खारजी रास्ते को खूबसूरत और कुशादा बनाया जाएगा। कमिश्नर जैद बिन मकसूद का जेर तामीर वॉल्टन रोड का दौरा। डिफेंस मोड़ तक कैंची रोड रेंज सेवरेज रैंप का तामीराती काम देखा। DC सैयद मूसा रजा, CTO अमारत AC मॉडल टाउन और KNP हमरा थे। सफाई के बाद अगले हफ्ते वॉल्टन रोड पर इस फॉल्ट शुरू कर दिया जाएगा। DC लाहौर के जेर सदारत अमन कमेटी का अजलास। उर्स दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अली और चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सिक्योरिटी पर बातचीत। तमाम मसाले के उलमा कराम पुलिस और अलाइड डिपार्टमेंट्स के अफसरान की शिरकत। DC लाहौर ने फ्रूट और सब्जी मंडियों फिरोजपुर रोड निस्तर टाउन में सफाई का जायजा लिया। जनरल अस्पताल में पौधे लगाने की तकरीब। साबिक निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने पौधा लगाया। प्रिंसिपल लाहौर जनरल अस्पताल प्रोफेसर मोहम्मद अल फरीद जफर भी हमरा थे। LDA सिटी में शजरकारी जारी। ओटलस होंडा के तावुन से 1000 पौधे लगाए गए। ताहिर फारूक जियाउल हसन शरीक थे। छठी बैनुल अक्वामी डिजिटल प्रिंटिंग नुमाइश का दूसरा रोज गवर्नर पंजाब की खसूसी शिरकत। मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। गवर्नर ने कहा, लोगों को डिजिटल प्रिंटिंग के हवाले से आगाह करना बहुत अच्छा कदम है। डिजिटल डिटेक्टिव कोर्स करने वाले पुलिस एहलकारों में सर्टिफिकेट तकसीम। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान अहमद जुनेद जुमा की शिरकत। 8 रोजा कोर्स के लिए तजर्बाकार पुलिस अफसरान की खिदमत हासिल की गई। DIG ऑपरेशंस का पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में अर्दल रूम। 32 अपीलों पर समाप्त की। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात के लिए सरगर्मियां थे। संजमन ताजान सगियां रावीपुल की प्या फाउंडर LBF के एजाज में तकरीब। सदारती उम्मीदवार नासिर हामिद खान चेयरमैन लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट अमजद चौधरी शरीक हुए। नदीम भट्ट सैयद असमत अली शाह भी मौजूद थे। उधर शालम मार्केट में फाउंडर्स ग्रुप के सब ऑफिस की तकरीब। फाउंडर सब ऑफिस से अंदरून शहर की मार्केटों में इंतखाबी मुहिम चलाएगा। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में अदब फेस्टिवल डेब्यू फ्रॉम दी टॉप पर सेशन। कामराल अशारी अमजद साकिब एतजाज अहसन का इजहार ख्याल। रेडिंग बिल्डिंग्स फॉर इनफॉर्म फ्यूचर पर भी इजहार ख्याल। भारतीय मुसनफा इन विलिंग जज्बा की रूनुमाई। बिस्मा मारूफ तानिया मलिक बुशरा एतजाज शरीक हुई। LCWU में इमर्जिंग टैलेंट बास्केटबॉल टूर्नामेंट। एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूर की खसूसी शिरकत। कहा, छू लो आसमान को अपना मोटो बना लें, फिर कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती।
IMMAF एशियन चैंपियनशिप रॉयल स्विस होटल में बॉक्सर्स के इजाज़ में तकरीब। चैंपियनशिप में शिरकत के लिए 15 ममालिक से 100 से ज्यादा खिलाड़ी आए हैं। GM अब्दुल कादर कहते हैं खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं।